कोई भी नया काम पहली बार कर रहे हो, कोई भी नया काम पहली बार कर रहे हो, क्या है, जैसे हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते ना, तो हमारे अंदर क्या बहुत सारी चीजें आती है यार, मैं क्यों पूछू, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे प्रपोजल फॉर्म बनते हैं, कई बार सिग्नेचर भी हम कई बार करते हैं कस्टमर के, सिग्नेचर नहीं करें, एमएचआर देनी है या मेडिकल करवाते हैं उसके अंदर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो नहीं करें हम लोग। तो कोई भी नया काम जो हम करते हैं तो पहले अपन पूछ लेते हैं, और अपने जो मेंटर है इनके अपन को क्या बनना है, एसेट बनना है, लायबिलिटी नहीं बनना है। क्या सबको एसेट पसंद है, लायबिलिटी एसेट को घर के अंदर रखा जाता है और लायबिलिटी जो होती है उसको बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो अपन लोगों को क्या बनना है, एसेट बनना है इसके, ठीक है ना। और मैंने बताया कोई भी नया काम करेंगे, ये नहीं कि प्लान दिखाने जाओ साहब, मैं हर बार कुछ साहब मैं प्लान दिखाने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो सब प्लान दिखाना तो है ही हमें, ठीक है ना। बट कोई भी नया काम करोगे तो पहले अपन पूछ लेंगे। इसके बाद जैसे दूसरा जो है इसके अंदर, डोंट पास एनी नेगेटिव टू योर, जो आपके जैसे मान लो साथ में जो काम कर रहे हैं ना अपने साथी, जैसे एक टीम के एक साथी के और दूसरी टीम के साथी, तो कोई भी नेगेटिव हम लोग पास नहीं करें। डोंट पास एनी नेगेटिव टू योर क्लोज लाइन, जैसे क्या, जैसे मान लो आप और हम क्या एक दूसरे के क्लोज लाइन है, ठीक है ना, और दूसरे हेल्प लाइन मान सकते हैं, क्लोज लाइन मान लो आप एक दूसरे को हेल्प लाइन मानिए, और हम लोग क्या उसे किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव नहीं दे, ठीक है ना। यार मेरे से गुरु ऐसे कर रहे हैं, मेरे गुरु उसके गुरु ऐसे कर रहे हैं, वो कभी भी आप इसके से भी सोचे सर, देखो हम सब लोग क्या एक इंसान है और हर इंसान से गलतियां होती है, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ में, आपका एक्सपीरियंस आपके साथ में, आपके गुरु का एक्सपीरियंस आपके गुरु के साथ में, ठीक है। हर आदमी को परमपिता परमात्मा ने यूनिक बनाया है, तो हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर कमी ढूंढने का नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव अपने डाउनलाइन जो आपके साथ में जो काम कर रहे हैं या आपके क्लोज लाइन जो आपके हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार, क्यों कभी भी नेगेटिव कमेंट अपने साथ काम करने वाले अपने जो मित्र हैं उनके साथ में या दूसरे जो सीनियर साथी हैं उनकी टीम के लोगों के साथ में कभी भी हमें नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। और ज्यादातर नेगेटिव क्या है, कई सारे अधिकर्ता तो क्या करते हैं, हमेशा कोई भी चीज थोड़ा सा भी दिक्कत आई ना वो सबसे पहले अपने गुरु के पास फोन करेंगे कोई भी। और मेरे पास तो कई बार क्या ऐसा होता है, कई लोगों से बचने की कोशिश करता हूँ यार, वो हमेशा उसका काम ही यही होता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वो आपके जो मेंटर है वो कोई कचरा पात्र है क्या, हस्ती थोड़ी हो, हर चीज आई थोड़ी सी चीज आई तो उसके पास काटेंगे थोड़ा सा। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना आपकी, व्हाट्सएप में क्या एक मैसेज आया और उस मैसेज को क्या करते हैं लोग पढ़ते नहीं उसको, और सबसे पहले क्या करते हैं फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम इसका भी ख्याल रखें अपने गुरु के पास ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिव उसको, क्योंकि वो भी एक इंसान है तो उसके पास ज्यादा हमें नेगेटिव नहीं पास करते। पहले तो हमें खुद उस चीज को अपने आप को खुद करके देखो उसको कि मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल करके खुद देखें आप, और उसके बाद आप अपने अगर नहीं आप हैंडल हो पा रही है तो फिर आप अपने गुरु के पास भेजें। और जैसे कई बार क्या होता है जिनके घर शीशे भी होते हैं ना वो लोगों घरों में पत्थर नहीं मारा करते, ठीक है ना। अब मैं कई बार बहुत सारे लोगों को देखता हूँ क्या करते हैं, यहाँ जैसे मान लो हमने किसी की पॉलिसी कर दी, स्पॉन्सर मेरे अभिकर्ता ने कर दी और मान लो ये हीरालाल जी के अभिकर्ता है, ठीक है ना। अब ये किसी कस्टमर के पास पॉलिसी करके आ गई, उसके बाद मान लो इनका अभिकर्ता जाता है साहब मैं इसको वैसे अदरवाइज दे दूँ, मैं वैसे एग्जाम्पल की तरह मेरा अभिकर्ता एक पॉलिसी करके आ गया और इनका अभिकर्ता जाता है कि साहब आपने कितनी डिबेट दी, ठीक है ना, आप उसमें डिबेट कितने लिए आपने, ठीक है ना। तो हमने जब पॉलिसी कर दी है उसके बाद हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें, चाहे कितने भी करी। पहली बात तो डिबेट एक वैसे अपराध की श्रेणी में मानता हूं कि ये एक अपराध है, बट फिर भी अगर दे दी उसने तो आप उसको कभी भी उस तरह से नहीं ले कि यार मेरे हाथ से बिजनेस निकल गया, अगर आपका होता तो आपके पास पहले जा जाता था। और लास्ट जो एक आता है, लास्ट जो एक कंट्रीब्यूट होता है हमारा, नेवर मेसेज विद एनीबडी ईगो मनी और स्पाउस, यानी कि ये तीन चीज जैन जोन और जमीन, ये तीन लड़ाई की जंग, ये भी डेड है कहने का जाए, ठीक है। हम लोग लोगों के घरों में जाते हैं तो जैसे क्या है किसी भी आदमी की ईगो मतलब अहम को ठेस नहीं पहुंचानी है। जैसे हम लोग गए किसी आदमी का यार भाई साहब आप पॉलिसी कराओ, उन्होंने बोला मैं पॉलिसी नहीं कराऊंगा,
आप बार बार उसके पास जा रहे हो, बार बार जा रहे हो और उसके बाद आप सब ईगो हर्ट कर लो, क्या करवाएगा क्यों नहीं बता, तेरे घर में मेरा हेलीकॉप्टर आएगा उसको घुसाड़े पर करवाएगा क्या? ठीक है, तो अपन को उसकी अगर वो कैसे करवाता होगा तो भी नहीं करवाएगा आपसे। अब जिस आदमी की जो रोजी रोटी चलती है, जो भी इनकम उसकी एक्स वाई जेड को कमा रहा है, अगर उसके साथ खिलवाड़ कर दिया आप लोगों ने, मतलब उसकी ईगो को हर्ट कर दिया ना, वो आदमी हमेशा के लिए आपसे चला जाएगा। तो लोगों को जीतने का काम करें, तो ईगो कभी भी हर्ट नहीं करनी है। मनी की बात करें, जो पैसा कस्टमर ने आपको दिया है प्रीमियम के रूप में, उस पैसे को कभी भी आपने अपने स्वार्थ के लिए या अपने काम के लिए यूज नहीं करना है। प्रीमियम दिया है कस्टमर ने आपको और उस प्रीमियम को लागत के आपको कहां जमा करना है, ब्रांच के अंदर लागत जमा कर देना है। ये नहीं है कि आप उस प्रीमियम को अपने चलो कस्टमर के बाद में भरेंगे, क्योंकि इस चीज को आप सीख लो, समझ लो, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा, हो सकता है उसके अंदर राइडर कोई लगा होगा, पीडब्ल्यूबी का लगा होगा या फिर कोई राइडर लगा होगा, एडीडी जो भी लगा है, तो उसका टाइम जो सेफ स्पीड है खत्म होने के बाद वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और पॉलिसी जब लैप्स होगी, कल को क्या होगा, मान लो बाइक में क्लेम आ गया तो क्या होगा, उस पार्टी को क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप ये गांठ बांध लो, जो पैसा कस्टमर ने आपको दिया है वो पैसा उसकी मेहनत का है, खून पसीने की कमाई का है और उसके परिवार के लिए दिया उसने, अपने परिवार की खुशियों के लिए दिया है, तो कभी भी उस पैसे को अपने स्वार्थ के लिए यूज मत करना, ये गांठ बांध लो आप। अगर कल को क्लेम आ गया और क्लेम आने के बाद अभी कल ही पड़ा था कि एक अभिकर्ता को पैसे दिए थे और क्लेम आ गया, क्लेम नो क्लेम हो गया और उसके बाद में उस अभिकर्ता को जेल में जाना पड़ा, ठीक है ना। तो हम लोगों क्या कर रहे हैं, जो प्रीमियम कस्टमर ने दिया है उस प्रीमियम को हमें उसकी पॉलिसी में जाके जमा करना है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद आता स्पाउस, तब जो बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति का दूसरे परिवार में, दूसरे व्यक्ति के साथ या एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध होता ही नहीं होता है। हम लोग जब जाते हैं कस्टमर के पास तो उसका भी परिवार होता है। अपनी नजरें बिल्कुल पाक साफ रखें, ठीक है, योग्यता आपको सफल बनाती है और चरित्र उसे बनाए रखता है। तो आप लोग जब भी हम जाते हैं तो अपनी नजरें साफ रखें, सामने वाले की बहन बेटी अपनी बहन बेटी मान के जाए, सामने वाले परिवार को अपना परिवार माने। तो आपको लंबा चलना है, अगर आपने इन तीनों रूल्स को फॉलो किया तो आप अपनी जिंदगी में जहां चाहोगे वहां पहुंच सकते हो। अगर आप इनको तोड़ोगे, जैसे एक रूल होता है कि रोड के हमेशा बाई ओर चलना है, अगर बाई ओर चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जहां आप जाना चाहते हो, और बाई ओर चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे, जहां कभी जाना ही नहीं चाहोगे। तो थैंक यू। तो आपको इस रूल को हमेशा ये ध्यान रख ले, अगर किसी की बहन बेटी रात के 2 बजे भी अगर आपके साथ में है तो उसके परिवार को ये लगना चाहिए कि मेरी बहन बेटी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे है, ठीक है ना, ये फीलिंग आनी चाहिए। तो हमेशा इस तरह से इस चीज को फॉलो करना है, पहले किसी के साथ विवाद नहीं करना है, न पैसे के साथ करना है, न उसके जीवों के साथ करना है और ना ही उसकी स्पाउस के साथ विवाद करना है। अगर इन सबका आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस बहुत 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 ऊंचाइयों पर जाएगा। तो ये मैं 3 कार्ड मेरे के धन में था मैंने कहा कुछ चीजें बताएं, क्योंकि अगर हम लोग इस बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं बहुत ऊंचाइयों में, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो 17 करोड़ रुपया पर ईयर कमाता है इस धंधे से। 17 करोड़ रुपया ठीक ठाक है ना, अगर 17 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाए तो सब कुछ सफल हो सकता है ना। तो आप इस बिजनेस की पावर को समझो कि कितना बड़ा बिजनेस है। इसके बाद इस बिजनेस में एक लेवल होता है कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट क्लब जो होता है, अगर उस कॉर्पोरेट क्लब को आप अचीव करते हो तो आपको 30 लाख रुपए की एक गाड़ी मिलती है एलआईसी देती है। आप सोचो एलआईसी का चेयरमैन जो है, जो एलआईसी का सर्वे सर्व है, उसको 30 लाख रुपए गाड़ी नहीं देती एलआईसी, और आपको क्या देती है, 30 लाख रुपए की एक गाड़ी मिलती है। हमारे एनजीएम को 10 से 15 लाख रुपए गाड़ी मिलती है, उसे गाड़ी मिलती है, और जो जनरल मैनेजर हमारे उसको 20 लाख से ज्यादा गाड़ी नहीं मिलती।